जैसे कि इस बार 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो माह के रूप में मनाया जा रहा है और पूरा महीना जो हम सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों तक जानकारियां पहुंचाएंगे और ये प्रयत्न रहेगा कि हर चालक सड़क प्रयोगकर्ता तक ये मैसेज पहुंचे कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना करें, रात को गाड़ियां धुंध में बड़ी सावधानी से चलाएं और अपने दस्तावेज रखें, गाड़ियों को मैकेनिकली फिट करें और विशेष करके जो हॉर्न है प्रेशर हॉर्न ना बजाएं और ब्लो हॉर्न की जगह नो हॉर्न प्लीज करें, नशा करके गाड़ियां ना चलाएं और अपना जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखें। दुर्घटनाओं को रोकना ही हमारा मूल उद्देश्य है और सड़क पे एक अच्छा परिवहन चालन जो अनुशासन है वो दिखे। तो इन कार्यक्रमों के साथ साथ जैसे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनके हेल्थ चेक किए जाएंगे, उनके साथ बैठकें की जाएंगी, वर्कशॉप की जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ साथ में उसी कड़ी में हम हमारी जो परिवहन व्यवस्था है लोगों को बार बार कार्यालयों में अलग अलग कार्यों के लिए परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए कार्यों के लिए आना पड़ता है। अपनी RC बनवानी है, लाइसेंस बनाने हैं या बैंक लोन उतारने हैं, अपने परमिट बनवाने हैं, परमिशन लेनी है और विभिन्न कार्य हैं। उनमें से मुख्य जो कार्य हैं उनको हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था से जोड़ा है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कांगड़ा और शिमला को सरकार ने लिया था। तो वहाँ सफलतापूर्वक कार्य होने के बाद हमारे चंबा जिले में भी ई परिवहन व्यवस्था जो है उसको लागू किया जा रहा है, उसके लिए लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हमने काउंटर भी दे रखा है कि लोग जो भी अपना कार्य करना है वो ई परिवहन व्यवस्था से जुड़े, उसके लिए लोक मित्र केंद्रों को अधिकृत किया गया है कि लोक मित्र केंद्र में जाकर लोग अपने कार्य जिसमें विशेषकर ई परिवहन व्यवस्था के जो कंटेंट हैं वो हैं गुड्स कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, बसेस, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, कॉन्टैक्ट कैरेक्टरी, प्राइवेट सर्विस व्हीकल के परमिट, उनको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, नेशनल परमिट फॉर गुड्स व्हीकल्स, होम ऑथोराइजेशन फॉर गुड्स परमिट, पे टोकन टैक्सीज, फिटनेस रिन्यूअल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्विसेज, NOC फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट्स, स्टेज कैरिज परमिट्स एंड स्पेशल रोड टैक्स रिलेटेड वर्क्स। हमारे पास उसके लिए जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट है 011-177-2654-185, ईमेल है transport-hp@nic.in, एड्रेस है डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट परिवहन भवन शिमला। ये फैसिलिटी दे रखी है प्रोसेस फ्लो में, विजिट HPDT वेबसाइट http://himachal.in/transport। स्टेप टू, गो टू अदर सर्विसेज एंड चूज द रिक्वायर्ड सर्विसेज। इसी तरह से स्टेप जो फोर है, क्लिक ऑन ऑनलाइन परमिट इन अदर ऑनलाइन सर्विस एंड डिटेल्स, गूगल पेज अवेलेबल है। इसी तरह स्टेप बाई स्टेप ई परिवहन व्यवस्था है, आपने अपने मोबाइल पे गूगल पे जाके ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे जाना है और मोर्थ की भी साइट है, वहाँ सारथी है और परिवहन है, तो सारथी और वाहन है, वाहन साइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको गाड़ियों से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड और बैंक हाइथवे टर्मिनेशन से लेकर या बैंक लोन चढ़ाने के जो कार्य होगा वो वाहन से होगा, और अगर आपका लाइसेंस रिलेटेड कोई भी कार्य है तो उसको अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप फीसें जमा कराएंगे, ऑनलाइन आपको OTP आएगा और अपना ड्राइविंग टेस्ट देकर आप अपना लाइसेंस घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बार बार RTO कार्यालयों में या हमारे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो SDM साहिवान के ऑफिस को गवर्नमेंट द्वारा पावर्स दी गई है, तो वहाँ भी RCs बनती हैं और वहाँ लाइसेंस बनते हैं। तो सब डिविजन लेवल पे हमारे ऑफिस खुले हुए हैं, जिन्होंने जहाँ भी जाना है वे STO ऑफिस में ये कार्य करवा सकते हैं। लोक मित्र केंद्र पे जाके वे अपने डॉक्यूमेंट्स दें, वहाँ अपलोड करें, ऑनलाइन अप्लाई करें
और उसके 30 रुपये से 40 से 50 रुपये जो उसकी फीस है, वही जो प्रेस्क्राइब फी है उसी को वहाँ दें और अपना डॉक्यूमेंट वहाँ से प्राप्त करें। इससे उनको बहुत से फायदे हैं, जैसे कि उनका जो पूरा दिन टूट जाता है, आगे अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, नेट नहीं होता है, कई प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे ही। दूसरा, अगर किसने फिटनेस गाड़ी की करवानी है तो उसका भी आने वाले टाइम में उसको स्लॉट मिलेगा। लाइसेंस ड्राइविंग का टेस्ट देना है, उसको स्लॉट मिलेगा। उसको पता होगा कि मेरे जो ड्राइविंग टेस्ट कंपिटेंसी के लिए टेस्ट है वो 12:45 पे होगा, तो उस हिसाब से वो 11 या 12 बजे वहाँ पहुँचेगा। पूरा दिन तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर बीच के जो तथाकथित बिचौलिए थे वो खत्म हो जाएंगे कि अपना डायरेक्ट काम होगा, अपने अकाउंट से पैसा जाएगा, सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा और उसको अपना डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तीसरा, सबसे बड़ा फायदा होगा कि उसको बसों को गाड़ियों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसका किराया भी बचेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको निजी तौर पर लें और कोशिश करें ऑनलाइन सर्विसेज का, तो हम यहाँ एक अच्छा राज्य बना सकते हैं, अच्छा समाज बना सकते हैं। हम पूरे राष्ट्र की तरह पूरे राष्ट्र को हम एडवांस भी कर सकते हैं और जो नवीनतम शैली है उसको हम अपना सकते हैं। तो ये ई परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था मामला, जिसको हम जन जन तक ला रहे हैं और इस माध्यम से भी हम लोगों को, जो प्रिंट मीडिया है, आपका ऑनलाइन मीडिया है, इस माध्यम से हम लोगों को तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि वह लोक मित्र केंद्र में जाएं या अपने मोबाइल से ऐप पे जाएं और साइट पे जाएं। मॉर्थ की साइट है, उसमें दो हैं, एक है वाहन, दूसरा है सारथी, गाड़ियों से रिलेटेड कार्य या वाहन से, और लाइसेंस से रिलेटेड सारथी से आप काम ले सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।